नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से क्या के स्पेशल सीरीज हमारा नेता कैसा हूं मैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्रीमान सचिन यादव जी। सचिन जी भारतीय किसान यूनियन भारत से राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। सचिन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत 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 आभार किया ये न्यूज परिवार को और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो सचिन जी, आपका आप कैसे आप चूंकि एक आप खुद युवा नेता हैं, तो हमारा नेता कैसा हो, ये पहला सवाल आप इसका बताएं। आपका जो कार्यक्रम का विषय है हमारा नेता कैसा हो, तो देखिए आवेदक तो बहुत होते हैं और हम नगर निकाय चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं जी। हमारा नेता कैसा हो, चाहे वो वार्ड में हो या फिर निगम में हो जी, कहीं भी, तो सभी लोगों के मायने तो जो जनता के हित में कार्य करे। हर व्यक्ति जो सिंपल व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति, वो यही कह सकता है कि भाई जनता के भले की बात करें, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। और जनता जहाँ तक चुनती है तो अपने लिए अच्छा ही चुनती है, और बाद में वो रिजल्ट कैसा देता है या नेता किस स्थिति पर लोगों के साथ रह सकता है, कहाँ तक गुजर सकता है, वो बाद में तय होता है कि कैसा क्या रहेगा। पहले तो किसी को नहीं पता होता ये नेता कैसा क्या नहीं, तो सभी अपने कहीं ना कहीं आचरण में अच्छे ही होते हैं कि मैं ठीक हूँ, प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ तो लोगों की भलाई के लिए लड़ रहा हूँ, और वायदे भी इसी तरीके के करते हैं, आपने देखे भी होंगे। और मुझसे बेहतर आप जानते हैं, फिरोजाबाद की हम बात कर रहे हैं, हम फिरोजाबाद में बैठे हैं, खुद की नज़र में तो सब अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन जनता की नज़रिए से कैसा होना चाहिए? देखो, जनता की नज़रिए से अगर हम बात करें तो नेता की अगर क्वालिटी की बात करें, गुड़ की, तो नेता के अंदर ऐसे गुड़ होने चाहिए। मैं एक कंपलसरी चीज़ बता रहा हूँ, जो पहला तो मैं यूथ हूँ, युवा हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि एक यूथ को कमान मिलनी चाहिए महापौर के लिए जी, कहीं ना कहीं उससे अच्छा उससे ये होगा कि जो यूथ होता है, जैसे या मैं हूँ या कोई भी युवा सही, वो कहीं ना कहीं यही सोचता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ लोगों के भले के लिए करूँ, उत्साहित होता है कार्य करने के लिए, उसे व्यापार नहीं करना होता है राजनीति में। लेकिन आज के जो मैं नेताओं पर किसी पर व्यक्ति का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो कहूँगा ये कि जो आज के राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं व्यापार के मकसद से जा रहे हैं, और ये व्यापार की जो राजनीति है ये खत्म होनी चाहिए। और नेता के अंदर वो होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न तो होते ही हैं सारे नेता, ये तो सभी जानते हैं, नेता होता है तो सर्वगुण संपन्न होता है, चाहे कोई भी सही, तो नेता के अंदर क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अगर कोई भी जन 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 के लिए भी वो उनमें मिलकर ही काम करे, उनमें उन्हीं के तरीके से काम करे, खुद को ये महसूस ना करे कि नहीं मैं तो महापौर बन गया, नहीं मैं तो मेयर हूँ तो मैं फोन रिसीव नहीं करूँगा या मैं लोगों को वेट कराऊंगा, ये उसके अंदर क्वालिटी नहीं आनी चाहिए नेता वाली। अगर ये क्वालिटी आ जाती है तो फिर वो लोगों के लिए भले के लिए नहीं होता नेता, जनप्रिय नहीं रहता, जनप्रिय नहीं रहता फिर वो। चलिए, आप किसान यूनियन से हैं जी, किसान माने ग्रामीण, और नगर निगम यानी कि वो शहरी होता है, बिल्कुल सही। तो निकाय चुनाव में चाहे वो पार्षद हो या महापौर हो, वो शहर का रहता है, गांव के लोगों के लिए तो वो है नहीं, तो आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि गांव से बहुत लोग शहर में भी रहते हैं, और हमारी 13 ग्राम सभाएं अभी नगर निगम में पिछले कार्यकाल में जुड़ी, तो और इस बार हो सकता है कि आगे जाकर के और जो नजदीकी जो ग्राम सभाएं हैं वो भी उनको भी जोड़ा जाए, तो क्या लगता है कि जो हमारे 13 ग्राम सभाओं में जो पिछले उसमें विकास हुआ है, तो कितना विकास हुआ है आपके नज़रिए से, उसमें क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? ठीक है, अगर हम किसान हूँ लेकिन किसान का बेटा भी हूँ, किसान यूनियन से जुड़ा भी हूँ, तो सिंपल सी बात है कि बात तो किसान की करनी चाहिए, लेकिन हमारे संगठन का उद्देश्य रहता है कि जो किसान की स्थिति गांव में रहती है ना, वही स्थिति शहर में मजदूर की रहती है, और फिरोजाबाद में का कहीं भी किसी भी शहर में मजदूर तो कहीं भी मिल जाते हैं, और फिरोजाबाद में सर्वाधिक मजदूर है। हम मजदूर की भी बात करते हैं, हमारे संगठन का एक प्रकोष्ठ भी है मजदूर प्रकोष्ठ, तो हम शहर में मजदूरों की भी बात करते हैं, मजदूरों के लिए जो अव्यवस्थाएँ हैं, या फिर वो कर्मचारियों जो गलियों में झाड़ू लगाते हैं, गलियों सफाई कर्मचारी जो होते हैं, उनकी भी हम बात रखते हैं, क्यों भाई हमारे लिए वो भी है कि एक अपने स्तर की बात बता रहा हूँ, मैं अपने स्तर के लेवल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हम जानते हैं व्यापारियों की बात करें तो भाई सब आप ही प्रश्न करोगे, आप किसानों के साथ की बात करो। जो 13 ग्राम सभाएँ जोड़ी गई हैं उनमें अगर विकास की बात करें, तो जो विकास होना चाहिए था
ग्राम सभाओं में, तो ग्राम सभाओं का विषय तो अलग है, पहले शहर के विकास की बात कर लिया, शहर में विकास नहीं हो पाया। चलिए, शहर में क्या आपको लगता है कि जो विकास होना चाहिए, क्या विकास नहीं हुआ शहर में? सबसे मेन चीज ये है शहर के विकास की कि देखो नगर निगम का जो कार्य रहता है, कहीं ना कहीं मैंने अपने खुद जाके आके देखा है इन चीज़ों को, और मेरे पास कहीं ना कहीं डेली समस्याएं आती हैं कि भाई ये समस्याओं से नगर निगम में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि महापौर में, महापौर जो बैठी, जो महापौर थी अपनी, जो उनके पार्षद, उन्हीं के पार्षद उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रही हैं या पैसे लेके काम करा रही हैं, या कहीं ना कहीं पार्षद उन्हें, तुमने देखा भी होगा, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, मैं आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पार्षद खुद उन्हें चोर बोल रहे थे कि महापौर हमारी चोर है। अच्छा, तो ये स्थिति रही थी फिलहाल में। चलिए, फिरोजाबाद में ऐसी क्या चीज़ें आप देखते हैं कि जो कमियां हैं और फिरोजाबाद में वो बेहतर होनी चाहिए नगर में? नगर में, फिरोजाबाद नगर की अगर बात करें तो जैसे हमारा अभी कार्य बहुत अच्छे स्तर पर चल भी रहा है, जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर है स्वच्छ सर्वेक्षण का, ठीक है, ठीक, इसे हम ले लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण में जो कागजों में जो डॉक्यूमेंट्री है नगर निगम की, उसमें तो सबसे बेहतर है, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और फिरोजाबाद के तमाम सभी नागरिकों को भी पता है कि डॉक्यूमेंट्री में स्पेशल रूप से उसमें ये क्लियर है कि जो भी उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है कि भाई फिरोजाबाद बहुत स्वच्छ वातावरण है और अच्छे से सफाई चल रही है, लेकिन अगर बारीकी से नज़दीकी से देखा जाए तो फिरोजाबाद के महापौर को या वार्ड के पार्षद को वहाँ जाना चाहिए जहाँ वास्तव में काम नहीं हुआ है। और काम क्यों नहीं हुआ है? जो विपक्ष के पार्षद हैं, जो कहीं ना कहीं जो भाजपा से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, क्योंकि फिरोजाबाद की भाजपा की महापौर थी, तो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो कहते हैं कि हमें नगर निगम ने कार्य नहीं दिया, काम नहीं दिया। ऐसी क्या स्थिति रहती है? वो क्या समझते हैं कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, इस क्षेत्र से हमें वोट नहीं मिला तो उस क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे? ये जो भावनाएँ रहती हैं, ये भावना अगर ख़त्म होनी चाहिए। अगर जमीनी स्तर की हम बात करें तो फिरोजाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पर कागजों में डॉक्यूमेंट्री पूरी कर दी गई है कि हाँ स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। हकीकत तो ये है कि आज भी जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, और जो सड़कें बननी चाहिए थी वो सड़कें नहीं बनी गई हैं। आज भी लोगों की समस्या है, ये पानी भर जाता है कूड़े के ढेर के लिए, चनौरा पे खत्ता घर बनाया है, सारा कचरा वहाँ पे जाता है, और डेली जो डंप कचरा होता है उसको वो रिसाइकल भी कर रहे हैं। रिसाइकल कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को लिए बनाया गया है, बहुत बारीकी से काम चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बीच में एक स्थिति आई थी कि नगर निगम के पास पेट्रोल डीजल नहीं है वाहनों के लिए, आपने भी देखा होगा वाहन खड़े हैं तो हम कभी डीजल नहीं है, कि कभी ड्राइवर नहीं है वाहनों के लिए, कर्मचारियों ने भी धरना भी दी, धरना प्रदर्शन भी किया था, उनके वेतन टाइम से नहीं मिला। तो वो एक दिन का या दो दिन का जो प्रक्रिया रहती है, आप जानते हैं कि शहर में एक दो दिन में ही बहुत सारी गंदगी हो जाती है, और आए दिन अपने अपने जहाँ मैं क्षेत्र में बैठा हूँ, ये सुदामा नगर है, यहीं की बात कर लेता हूँ, जो बीच में एक 30 फुटा रोड गया है सुदामा नगर में, जब बारिश थोड़ी हल्की सी बारिश होती है ना, उसका नाला इतना वाल ले जाता है कि सड़कों पर घुटनों के भर पानी भर जाता है। उसे पानी की निकास के लिए कहीं व्यवस्थाएं नहीं है कि पानी कहाँ पर निकलेगा, कहाँ से इसकी निकासन होगा इस पानी का। तो ये व्यवस्था देखनी चाहिए महापौर को, अपनी फिरोजाबाद के महापौर। चलिए, मजदूरों की आपने बात की, मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए? देखो मजदूरों के लिए अगर मैं बात करूँ तो पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मजदूर का काम कर रहे हैं, जो बाल मजदूर पर जो हम रोक लगाए हैं, सरकार कानूनन भी अपराध है इस पर। ये फिरोजाबाद के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते महापौर को या उनके पार्षदों को ये तय करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ क्यों मतलब पल रही हैं, बच्चे काम कर रहे हैं और वो मजदूर के ही बच्चे, भाई उन्हें करना पड़ा है मजबूरी में, उन्हें तो करना पड़ा अपने पालन पोषण के लिए, तो वो काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है कि जो मजदूर हैं जो कारखानों में काम करते हैं, फिरोजाबाद के मजदूर, उनसे आज भी आप देख लीजिए 8 घंटे के बजाय 10 घंटा और 11 घंटा काम दिया जाता है। ये स्थिति आज से नहीं, जब नगर निगम था उससे पहले से भी ये स्थिति बनी हुई थी, यहाँ के विधायक या तमाम लोग भी रह चुके थे प्रक्रियाओं में और बात भी उठाई थी, तो कुछ दिन के लिए हाँ ये वो हो जाता है, लेकिन स्थिति यही रहती है कि आज भी 8 घंटे से अधिक काम लिया जाता है और तनख्वाह जो उनकी उनका बजट रहता है वो भी 8 घंटे का ही देते हैं, 2 घंटा या 3 घंटा एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं। ये भी फिरोजाबाद के तमाम जिम्मेदार व्यक्तियों को सैलरी 8 घंटे की मिलती है और काम 10 घंटे लिया जाता है, तो सबसे पहले तो इससे छुटकारा मिलना चाहिए। और अगर ये धरने पे भी अट जाए तो कितने दिन धरने दे जाएंगे,
कोई राष्ट्रीय स्तर के या राजनेता तो है नहीं है इनके घराने में, कोई ये कोई बहुत बड़े व्यापारी तो है नहीं है ये। 2 दिन अगर नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूँ फिरोजाबाद के मजदूर की स्थिति आप जान लीजिए। आज सुबह निकला है कमाने के लिए, शाम तक कमाएगा, शाम को जो पैसे मिलेंगे 300 या 400, उसमें से वो तेल आटा पानी नॉन मिर्च जो भी तमाम चीज़ें होती है वो लेके आएगा, ठीक है, उसी से उसका पालन पोषण होगा। सुबह का उसे पता नहीं है, सुबह का और उस बच्चे का तो उसमें खा लेगा नहीं, फिर काम करेगा, फिर शाम को लेके खाएगा, ये स्थिति है। उसमें भी अगर वो 2 दिन अपने धरने में अपनी बात उठाने में अगर बिगाड़ दे तो वो कहीं का नहीं, उसके बच्चे भूखे मरेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फिरोजाबाद के जो कारखाने चल रहे हैं उसमें 8 घंटा काम लिया जाए मजदूरों पर, मजदूरों की ये समस्या। और एक जो उनका रजिस्टर होता है 12 नंबर रजिस्टर होता है शायद मेरे हिसाब से, उसमें भी कहीं हाजिरी नहीं होती। आज भी तुम चले जाओ किसी मजदूर की हाजिरी नहीं, और कहीं कोई बात होती है अचानक या तमाम उसमें जो लेबर का जो पूरा प्रारूप रहता है सरकार जो वारंट देती है वो कौन खा रहा है। कारखाने संचालक क्या कहीं मिली मिली भगत जो सरकार है जो गवर्नमेंट के लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हुए वो कहीं ना कहीं खा रहे हैं। मजदूर को क्या मिल रहा है, उसकी तैयारी मिल रही है जो काम कर रहा है उसकी, उसे पूरा प्रारूप नहीं मिलता, उसका हिसाब किताब नहीं रहता। अगर वो दोपहर में छुट्टी लेके आ गया तो उसकी ड्यूटी है ही नहीं है, पूछो अगर जाके रजिस्टर हाजिरी का रजिस्टर कहाँ है तो रजिस्टर ही नहीं है, वो दिखाई देते हमारे यहाँ ही नहीं है, काम ही नहीं करता ये। तो ये सारी चीज़ों से वाकिफ रहना है। और फिरोजाबाद में मैं जानता हूँ कि इन्हें भी समझना चाहिए, जो जितने भी कारखाने संचालक हैं इन्हें भी समझना चाहिए कि भाई मजदूर जो होता है वो वास्तविक मजदूर है, और उसे उसका पूरा जो भी उसे काम कर रहा है जो मेहनत कर रहा है उसे मेहनत का मेहनत आना मिल जाए। चलो इसके अलावा फिरोजाबाद में आप क्या देखते हैं कि फिरोजाबाद का जो महापौर बनेगा प्रथम नागरिक होता है और उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, पूरे शहर को चलाने का दायित्व होता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएगा, कोई नाम आपके जहन में आता हो? देखो मैं नाम की तो बात नहीं करूंगा व्यक्तिगत, क्योंकि सबको अपना अधिकार होता है कहाँ नहीं कहाँ वोट देना है जी। फिरोजाबाद में मैं जानता हूँ जहाँ तक जो अभी सीट हुई वो जनरल हुई है, तो यार जनरल में सभी आते हैं तो सभी अपने अपने आवेदन और खुद को प्रेजेंट करने में लगे हुए हैं सभी प्रत्याशी के, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। अब वो तय जनता को करना है कि कौन ठीक रहेगा कौन नहीं ठीक रहेगा। मैं ना सपा की बात कर रहा हूँ ना भाजपा की ना कांग्रेस बसपा, तमाम संगठन जो पार्टियाँ हैं अपने अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाइए, ऐसे व्यक्ति को जिताइए जो अपना व्यक्ति जो यहाँ का महापौर बनेगा वो अपना जो एक नंबर होता है जो मोबाइल में सिम कार्ड होता है उसका अपना नंबर होता है वो सार्वजनिक करें। मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है, जो वहाँ पर 150 लोग 100 लोग जाके डेली ऑफिस पर कार्यालय पर जो चक्कर लगाते हैं उनकी समस्याओं समाधान के लिए जो वहाँ पर मैं फिर ये बात कहता हूँ कि जो महापौर बन जाता है वो उसमें नेता वाली फीलिंग आ जाती है, 4 लोग बैठा लिए और फिर वही वहाँ तक व्यक्ति जिसकी समस्या है वो नहीं जा पा रहा है उन 4 लोगों में घुसट पुरस करके और वहाँ से भ्रष्टाचार पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है। अगर मोबाइल नंबर सार्वजनिक हो जाए तो क्या समस्या, 2 मिनट 5 मिनट किसी से बात करने, सुबह से शाम तक कितने फ़ोन आ सकते हैं, 100 या 150 फोन आ सकते हैं और इतना तो टाइम रहता ही है, और फोन कर ले समस्या भी समाधान हो जाए और चक्कर भी नहीं लगाना पड़े और जो वहाँ पर 4-5 लोग रहते हैं उन्हें रिश्वत भी नहीं देनी पड़े अपनी मोहल्ले में। मोबाइल नंबर तो सार्वजनिक होता है, सीओजी नंबर सार्वजनिक होता है, लेकिन ये फोन उठते कहाँ है सार्वजनिक होता है वो। आज आप फिरोजाबाद के किसी व्यक्ति का लगा लीजिए शायद आपका उठ जाएगा, मेरा नहीं उठे मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जब अगर मोबाइल नंबर उठ जाए तो इन लोगों को वहाँ चक्कर नहीं काटने पड़े, ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। जो नंबर होता है मैं जानता हूँ कि विधायक का भी सांसद तमाम लोगों का भी नंबर रहता है उस पर जो ये आवेदन करते हैं उसमें सब स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। और जो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो ये पार्षद ये कहते थे कि हमें काम नहीं मिला है, हमें काम नहीं मिला है, नगर निगम से काम नहीं मिला, मैं उनसे कहना चाहता हूँ तुम्हें काम नहीं मिला तुमने 5 साल में 5 प्लॉट कहाँ से खरीद ली, ये सच्चाई है कि नहीं है? और तुम्हें काम नहीं मिला है तो 5 साल में 5 प्लॉट कहाँ से आया, तुमने इतना बड़ा अपना तो साम्राज्य खड़ा कर लिया, बाढ़ की स्थिति नहीं देखी तुमने, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा ये ऐसे तमाम फिरोजाबाद के पार्षद या नेता हैं तो इस चीज़ को स्पष्ट कर रखना है, पार्षद या महापौर उसको चुनना है जो मजदूरों की बात करें, जो व्यापारियों की बात करें, व्यापारियों के उत्पीड़न के नाम पर ये रोड से टीन सेट या तमाम चीज़ें ये हटा लेते हैं, या कभी ठेला को ठेला वाला ये अभी कुछ दिन पहले चला था नहीं ठेला नहीं खड़े होंगे रोड पर, ये नहीं होंगे, ये कहाँ जाएंगे। तो ये जो सारी स्थितियाँ जो तय होती हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति होगा वो व्यापार को राजनीति को व्यापार नहीं समझेगा और राजनीति को व्यापार ना समझते हुए कार्य करेगा, तो मैं समझता हूँ कि फिरोजाबाद का भला हो पाएगा और स्मार्ट सिटी के नाम पर फिरोजाबाद हमारा शहर भी बहुत अच्छा रहेगा। चलो तो ये आपने सुने विचार सचिन यादव जी के। सचिन यादव जी एक बार फिर आपको बता दूँ कि भारतीय किसान यूनियन भारत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और
उम्मीद है अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो आपके क्या विचार हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।